ये बिल्कुल मैं इसलिए मैं तो ये पूरी कहानी जान रहा हूं, मैं इसलिए आपके मुंह से जनता तक पहुंचाना चाहता हूं, क्योंकि पता नहीं कैसे क्या दुर्भाग्य है हमारे देश का कि जो मेल गोवंश का जो मेल मेंबर है वो हमारे लिए कर्ज बन गया है। हमको लगता है कि वो बोझ है हमारे लिए। हम उसको, हमने बताया वो बालू को पकड़, बाकी पेड़ पौधे जमीन को बचाते होंगे, मिट्टी को, ये बालू को पकड़ के रखता है। बालू व्हाइट सैंड, जहां आप धंस जाएंगे बह जाएंगे पता नहीं चलेगा आपको, वहां उसको बचा के रखता है। वो चीज हमारे यहाँ से खत्म हो गई सर। हमारे जिस चीज पर हमारा पॉपुलेशन आज का बचा रहा है ना, अपने आप को बचाया है बारिश से, गर्मी से, ठंड से, वो पौधा अब स्कार्स हो गया, नहीं दिखता। उसको सबने काट के फेंका, जलाया, मिट्टी की जगह अब ईंट के घर बनाए। वैसी जगह पर आपने बैल को रेस्क्यू करके रखा और वो अभी भी चल रहा है। दिस इज समथिंग यू नो अ डिफरेंट स्केल, डिफरेंट लेवल ऑफ अप्रोच। प्लीज यू नो एक्सप्लेन दैट फॉर अस। जी, जरूर जरूर। इसके पहले मैं थोड़ा सा जंगली के बारे में बात करता हूँ। जैसे आपने बोला ना कि जिसकी जरूरत नहीं रहती उसको हम काट के फेंक देते हैं, और काश वाला उदाहरण जो मैंने बताया, ये वाकई बहुत बड़ा सच है कि पेड़ों के मामले में भी जिस पेड़ को हम नहीं पहचानते उस सब पेड़ को जंगली बोल देते हैं, और जी जंगली भी मतलब डेरोगेटरी उसमें बोलते हैं, मतलब हिकारत जी वाले उसमें बोल देते हैं कि ये तो जंगली है। ये सोच यस यस थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। प्रकृति ने सब कुछ किसी पर्पज से बनाया है। बिल्कुल एक छोटा कीड़ा मकोड़ा से लेके और झाड़ झंखाड़ जो कुछ भी है, कहा जाता है कि सारी वनस्पतियां जड़ी बूटियां हैं, हाँ बस उसका इस्तेमाल पता होना चाहिए, और अलग अलग वनस्पतियों की अलग अलग उसका बेनिफिट्स है। तो जो जंगली मतलब जो हम जानते कितने पेड़ों का नाम है, हम मुश्किल से 5, 7, 10 पेड़ का नाम जानते हैं ज्यादातर। एक नॉर्मल जो लोग कहीं जो फलम खाते हैं उन्हीं के 2, 4, 10 पेड़ को नाम जानते हैं, तो बाकी को हम जंगली बोलते हैं, विच इज मतलब सीरियसली ऑब्जेक्शनेबल। तो आवश्यकता यह है कि हम अपनी जानकारी बढ़ाएं, अपनी ज्ञान बढ़ाएं, और हमारा ज्ञान अगर सीमित है तो उन पेड़ पौधों के ऊपर जुल्म न करें। अब देखिए बिल्कुल जैसे काश का है, काश पहले जरूरत थी, पहले झोपड़ी बनता था, और जब झोपड़ी कम होने लगी तो लोगों ने काश को जलाना शुरू कर दिया, जबकि उसकी बहुत ही ज्यादा उसका महत्व है हमारे इकोसिस्टम में। बैल की बात थी, बैल भी उसी तरह से है। बैल की आवश्यकता धीरे धीरे, जब ट्रैक्टर आ गया और हो गया तो उसकी जरूरत लोगों को कम हो गई, लेकिन आज के दिन भी अब तो कि एक नई चीज थी, हमारे कैंप्स में नॉर्मली नहीं होता, जी तो एक नई चीज करने में आदमी थोड़ा सोचता है। लेकिन मेरा था कन्विक्शन था, और मेरे साथी जो थे वो भी कन्विंस थे, हमने उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया, क्योंकि तो कैंप्स हमारे काफी बड़े होते हैं, उन सबको मेंटेन करना भी मुश्किल होता है। तो कुछ ऐसे इलाके में जहाँ की सिर्फ घास फूस ऐसे रहती थी, वहां हमने उसको बांध दिया, और वो दिन भर अपना उसमें घूमता रहता था, चरता रहता था। इसके साथ में वेस्ट मैनेजमेंट की बड़ी क्लियर डायरेक्शंस हैं और जरूरत है। जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल है 2016 का, उसमें स्पष्ट है कि आप एक लेवल से ज्यादा अगर वेस्ट जनरेट करते हैं, स्पेशली ग्रीन वेस्ट, तो वो आपको अपने स्तर पर उसका निपटारा करना है। कोई म्युनिसिपल बॉडी उसमें आपका सहयोग नहीं चाहिए, चाहे वो कोई हाउसिंग सोसाइटी हो, चाहे कोई इवन बड़ा रेस्टोरेंट हो। तो हम भी उसी कैटेगरी में आते थे। हमने अपने दो नंदी जो पाले, उनको अब बची हुई साग सब्जी, चाहे मेस की हो, चाहे लोगों के घरों से निकली हो, वो जी उसको देते थे, वो बहुत खुश होके खाता था, और हमारा भी काम करता था, वो एक तरह से मुफ्त में हमारा काम करता था। और जितने भी जानवर हैं, चाहे गाय हो, बैल हो, भैंस हो, बकरी हो, ये सारे दे आर द फास्टेस्ट कंपोस्टर्स। यस ये आज तक इंसान इससे अच्छा कंपोस्टर नहीं बना पाया, चाहे यस वो 10 लाख का हो, चाहे 20 लाख का हो। वो कोई भी कंपोस्ट, मैं इनफैक्ट दिल्ली में कंपोस्टिंग करता था। दिल्ली में क्योंकि मैं फ्लैट में रहता था तो मेरे पास ये इतनी सुविधा नहीं थी कि मैं पेड़ लगाऊं, जंगल लगाऊं,
तो वहां मैं कंपोस्टिंग पे ज्यादा ध्यान देता था और मुझे समझ में आया कि कोई भी कंपोस्टर परफेक्ट नहीं है। हम लोग ज्यादा कि अलग अलग हाउसिंग सोसाइटी में देखते थे, तो एक तरह से हम दो कंपोस्टर ले आए मुफ्त कर, हमने उनके ऊपर कोई एहसान नहीं किया, उन्होंने हमारा काम किया। और चूंकि अच्छा काम था, हमारे लोगों ने भी सहयोग किया, इवन आसपास के किसान, हम बहुत अच्छी मित्रता हम लोग की हो गई है, तो वो अपनी तरफ से वॉलंटियर करते थे। हम शाम को एक समय उनको 4 से 5 बजे भूसा वगैरह देते थे जिसमें हमारा कोई खर्च नहीं होता, वो लोग वॉलंटियर होकर डोनेट करते थे। तो दो नंदी वो अभी भी हैं। मैं वहां से आया तो मैंने लोगों को बोला भाई ये इसका कॉन्सेप्ट है, और मेरा तो मानना है कि जो भी बड़े कैंपसेस हों, बड़े बड़े सोसाइटीज हों, उसमें हम बैल को आश्रय दे के अपने सिस्टम के साथ उसको मर्ज करके अपना काम कर सकते हैं। मतलब वेस्ट मैनेजमेंट शहरों में एक बड़ी समस्या है, स्पेशली ऑर्गेनिक वेस्ट, क्योंकि ऑर्गेनिक वेस्ट पेरिशेबल होता है, वो 10 घंटे 12 घंटे के बाद वो स्मेल करने लगे। आप अगर उसको अच्छे से सेग्रीगेट करके उसको जानवर को खिला दें तो दोनों का काम है। यस, जानवर भी रोड पे शहरों में घूमता रहता है, वो प्लास्टिक खाता रहता है, तो वो भी हो जाएगा, आपको गोबर मिलेगा, गोमूत्र मिलेगा, वो आपकी गार्डनिंग में काम आएगा। तो ये जो नंदी का कॉन्सेप्ट था, ये बचपन में मैंने भी देखा है अपने गांव में, जब किसान जाते थे खेत की जुताई करने सुबह सुबह, तो उनकी घंटियां जो बजती थी तो वो बहुत अच्छा म्यूजिक होता था। हाँ, बच्चे हम लोग सुबह लोगों ने कविताएं लिख दी उसके ऊपर। तो ओवरऑल एक है सिस्टम जिसमें कई चीजों पे हम लोग छोटी छोटी बातें हैं, मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मतलब लोगों में अवेयरनेस हो तो वो छोटे छोटे काम करके बड़े बड़े रिजल्ट दे सकते हैं। और ये मैं तो चूंकि मैं कहूंगा कि मेरे पास रिसोर्सेज रहे हैं, मेरे पास आदेश रहा है, इसको करने का आदेश रहा है, तो मैंने इसको सरकारी टाइम में किया है। लेकिन जो लोग अलग से करना चाहते हैं, अगर वो वास्तविक रूप से दिल से थोड़ा इसको समझें और जागरूक रहें, तो वो छोटे छोटे प्रयास से दिन में 5 मिनट 10 मिनट ही दे के कर सकते हैं। बिल्कुल, और बहुत ज्यादा कोई इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इसी अवेयरनेस पे राजीव, मतलब मुकामा घाट में हम लोगों ने सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र के अंदर एक प्रकृति विहार खोला। प्रकृति विहार मतलब प्रकृति का म्यूजियम। वाह, उसमें करीब 12-13 गैलरी है, उसमें वायु के ऊपर एक गैलरी है, जल के ऊपर है, वाह, वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर बहुत बड़ी गैलरी है, प्लास्टिक पे है, वीड्स के ऊपर है, श्रेडर का क्या इंपॉर्टेंस है आज की डेट में। देखिए, श्रेडर और इंसिनरेटर, ये दो ऐसी चीजें हैं जो कि एक बहुत बड़ी जरूरत हो गई हमारी मतलब इकोसिस्टम में जी, क्योंकि ऐसी काफी सारी चीजें हो रही हैं, जैसे प्लास्टिक हम इसको पूरी तरह रोकना पॉसिबल नहीं है, तो इंसिनरेटर एंड श्रेडर, इसके ऊपर भी एक वहां पे गैलरी है कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, और वो सब कुछ यूट्यूब पे ऊपर है जी। सौर्यवन भी यूट्यूब के ऊपर है, प्रकृति विहार भी यूट्यूब के ऊपर है। प्रकृति विहार का हमने अपने महानिर महोदय से उद्घाटन कराया था, और उसमें भी देखिए कुछ ऐसा अलग से बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं आया। एक पुरानी रेलवे के समय की बिल्डिंग थी, जिसमें जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी वहां के बॉस रहते थे। आई वॉज सपोज टू लिव देयर, लेकिन उसकी छत बिल्कुल खंडहर की तरह थी, मतलब गिरने की हालत में। तो एक तो उस बिल्डिंग का उद्धार हो गया, हम लोगों ने उसके ऊपर टिन शीट वगैरह लगा के उसको इम्प्रोवाइज तरीके से उसकी छत को नष्ट होने से बचाया, और फिर उसके अंदर गोबर पेंट कराया। वाह, गोबर पेंट हमने वहां पटना से मंगाया, तो वो भी एक काफी लोगों के लिए अवेयरनेस की बात रही।
उसके पहले मैंने भी गोबर प्रिंट के बारे में सुना था, पहली बार वहां मंगा के कराया, बिकॉज वो प्रकृति विहार था, प्रकृति का म्यूजियम था, तो हमने कहा इसमें केमिकल पेंट नहीं लगा। और प्रत्यक्ष रूप से आपको बता रहा हूँ कि जो जिन लोगों ने पेंट किया, जो मजदूर पेंट कर रहे थे, वो इतने खुश थे, क्योंकि नॉर्मली आप देखते हैं पेंट में इतनी स्मेल आती है, आग जलने लगती है, लेकिन ये इसमें बिल्कुल कोई स्मेल नहीं था, फिनिशिंग बहुत अच्छी थी, कॉस्ट कम थी। तो अभी तो इसको प्रमोट किया जा रहा है हर राज्यों में, गोबर पेंट जी, 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 जी। तो ये भी कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ है। देखिए हम जरूरत के हिसाब से सोचते हैं, तो कैटल, बैल, बैल अगर किसी काम का नहीं है तो गोबर तो देता ही है, तो अगर उसके गोबर का इस्तेमाल होगा तो हो सकता है कि उसकी थोड़ी सी रक्षा हो जाए। बिल्कुल, ये मतलब इतना कोइंसिडेंस है। अभी जो हमारा एडवांस परमाकल्चर प्रोग्राम हम चलाते हैं, अभी ऑनलाइन चल रहा है, बियॉन्ड परमाकल्चर, बियॉन्ड बोलते हैं, उसमें 6 अलग अलग टॉपिक्स हैं, जैसे आपने बोला ना वायु के ऊपर एक है ना, जल के ऊपर एक है, ऐसे हमने पंच तत्व पर आधारित वो रखा है प्रोग्राम। और उसमें कल हम गाय की ही बात करने वाले हैं, और आज हम उन सारी चीजों की बात कर रहे थे जो आपने आज बोला है। और ये इतनी बड़ी बात है जागरूकता के लेवल पर, बिकॉज समवेयर वी आर एंजॉइंग आवर इग्नोरेंस, और हम कहते हैं इग्नोरेंस इज ब्लिस। अरे ठीक है, दुनिया को कौन मतलब, बहुत चीजें हो रही हैं, ऐसा वैसा बहुत चीजें हो रही हैं, तुम भी पैदा हुए, हम भी पैदा हुए कुछ यहाँ करके जाने के लिए। और ये जो प्रकृति को बचाने की बात है, कोई आज की बात नहीं है, ये चाणक्य की नीति में एक पतली सी किताब है, चाणक्य की नीति, चाणक्य के सूत्रम, उसमें ना पहले पेज पर चाणक्य ने प्रकृति के गुणों के बारे में लिखा है, जो प्रकृति संपदा है ना जंगल, उनके बारे में लिखा है, 10, 11, 12 और 13 श्लोक। वो कहता है प्रकृति धन जो है ना सबसे बड़ा धन है, और अगर किसी राज्य की प्रकृति अगर सुरक्षित हो और अपने चरम पर हो, तो उस राज्य में अगर राजा विहीन भी हो राज्य, तो वो सर्वाइव कर लेगा। इवन इफ यू डोंट हैव द पॉलिसी मेकर्स एंड द सिस्टम ऑफ रनिंग द गवर्नेंस, यू कैन सर्वाइव इफ योर इकोलॉजी अराउंड इज एट इट्स बेस्ट। ये चाणक्य बोल के गए, आज पता नहीं कितने साल पहले हुए थे, वी ऑल नो दैट। और बोल लास्ट में कहते हैं कि प्रकृति का जो कोप है ना, सबसे बड़ा कोप है, प्रकृति के को गुस्सा नहीं दिलाना। हम जो कर रहे हैं ना, वो वी आर ट्राइंग आर बेस्ट कि प्रकृति को बर्बाद कर उसको गुस्सा दिलाएं, गुस्सा दिलाएं। और वही है कि अभी जो ये बारिश का सीजन है पूरे भारत में अभी, और हर पूरा भारत 40+ डिग्री में चल रहा है, मेजोरिटी ऑफ आवर कंट्री इज रनिंग 40+ डिग्री। कल मेरी बात हो रही थी भाई से, तो बोलता है कि सुबह 9 बजे के बाद शाम के 5:30-6 बजे तक आप घर से नहीं निकल सकते। इट्स ओनली फॉर दोज अनफॉर्चुनेट पीपल जिनके इमरजेंसी आ गई या कुछ करना है तभी निकलते हैं, अदरवाइज यू स्टे होम। हम सुबह उठते ब्रह्म मुहूर्त में ही इतनी गर्मी होती है, नींद खुल जाती है। ये असंतुलन है जो परिलक्षित हो रहा है, जो ऑल दोज थिंग्स, डेटा एंड ऑल दोज बिग भाषण जो हम पहले बात कर रहे थे, वो अब सामने आ चुका है। तो ये कोई भविष्य की बात हम नहीं कर रहे हैं। और हम जो प्रकृति को बचा बोलने के लिए हम कहते हैं प्रकृति को बचाएं, लेकिन ये अपने आप को बचाने की बात है, मुझे ऐसा लगता है। धरती में फर्टिलिटी रहे नहीं रहे, धरती को क्या चाहिए, वो तो देने के लिए आई है। धरती में फर्टिलिटी रहेगी तो हम और आप जिंदा रहेंगे। हमारे जीने का सर बेस जो है वो धरती की उत्पादक शक्ति है, नथिंग एल्स। कपड़े और फैशन और गाड़ी, बंगला, घर द्वार, सब कुछ ऑप्शनल है, वो नहीं रहने से आदमी मरता नहीं है। जीवित रहने के लिए भोजन माने हवा, भोजन और पानी की आवश्यकता, द ऑफ फैक्टर, द एयर, वाटर एंड अर्थ हैज टू बी ऑसम। तो ये बहुत बहुत बड़ी बात है, एंड दिस इज वेयर कम्स द पर्सनल इंडिविजुअल एफर्ट, क्योंकि सरकारें 5 साल के लिए आती हैं और उनकी प्राथमिकताएं अलग हैं। और अगर उनकी प्राथमिकता में हो भी कि हम प्रकृति को बचाने में काम करें, तो 5 साल के बाद वो सरकार बदलेगी, अगली सरकार की प्राथमिकता में होगा कि नहीं होगा, गॉड नोज। और ये 5 साल का काम नहीं है, सरकार रूल बना सकती है, मैंडेट दे सकती है, जैसे सर ने बताया ना कि आप एक लेवल से ज्यादा अगर ग्रीन वेस्ट ये कर रहे हैं तो आपको खुद ही डाइजेस्ट करना होगा। मुझे तो नहीं पता था अभी तक, मैं इसी धंधे में 10 साल से हूं, हमें पता है कि 99% लोगों को ये मालूम नहीं है। हम सब लोग बड़े शौक से, बड़े तन्मयता के साथ उसको अच्छे से प्लास्टिक में रैप करते हैं, घर के पूरे कचरे और गिफ्ट बैग बना के बाहर में रख देते हैं, और जो उसको ले जाने आता है उसको हम कहते हैं कचरे वाला आ गया। हाउ सार्कास्टिक इट इज।
और डेटा कहता है, बेंगलोर का डेटा कहता है कि बेंगलोर में रेसिडेंशियल एरियाज आर क्रिएटिंग मोर वेस्ट देन इंडस्ट्रियल एरियाज। और ये खाली बेंगलोर मतलब शहर का एक एग्जाम्पल है, हर शहर में आवासीय जो एरियाज हैं वह ज्यादा कचरे पैदा कर रहे हैं। इलीट सोसाइटी इज क्रिएटिंग अ केजी ऑफ वेस्ट जिनो पर कैपिटा। ट्राइबल एरियाज हैव नेग्लिजिबल वेस्ट, जिनको हम कहते हैं ये तो यू नो आदिवासी हैं, इनको तो ये निरक्षर हैं, तो यू नो बिलो पॉवर्टी लाइन। वी हैव टर्मिनोलॉजीज यू नो टू मेक आर सेल्फ मोर प्राउडर एंड यू नो क्रिएट द गैप कि आप कुछ और हो मैं कुछ और हूँ, लेकिन वो कचरे नहीं पैदा करते। गुरुदेव भी कहते हैं कि आदिवासी लोग जो है स्वच्छता की जीती जागती मूर्ति हैं, और उन्हीं में से हमारी गायें जिनको कभी धोया नहीं जाता, दे आर द यू नो लिविंग एपिटोम ऑफ क्लीनलीनेस।